आज मैं आपको पतंजलि योगग्राम का जो सबसे सस्ता रूम है तपस्वी कुटिया, वो मैं अंदर से दिखाने वाली हूँ क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है। ऐसे तो एक रूम चार्ज में दो लोग रह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से एक रूम में तीन लोग रहना चाहते हैं। तो ऐसे हर सभी रूम में डबल बेड दिया हुआ है, तो दो लोग रह सकते हैं, पर तीसरे आदमी के लिए अगर बेड चाहिए तो आप साइड में देख सकते हैं मैट्रेस रखा हुआ है। तीसरा आदमी इसको फर्श में बिछा करके सो सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ अलमारी है, इसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, और बाहर से आप लॉक भी कर सकते हैं, ताला भी लगा सकते हैं, और ऐसे चाबी रहती है जिसमें खुद से लॉक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को इलाज दौरान अपना वॉलेट, पर्स, मोबाइल, पैसे, कार्ड रखने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में फ़ोन रखा हुआ है, सभी रूम में फ़ोन दिया गया है, और एक नंबर आपको बताया जाता है। अगर आपको रूम में किसी भी तरह की असुविधा होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उस रूम में आप कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं। अटैच बाथरूम है, सभी रूम में एसी दिया हुआ है, चाहे तपस्वी हो, महर्षि हो, या फिर टेंट कॉटेज ही क्यों ना, सभी रूम में एसी दिया हुआ है। तो ठंड के मौसम में भी दिक्कत नहीं होता है, गर्मी के मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल में तीन तरह के जग वगैरह रखे हुए हैं, जो बड़ा जो जग है 5 लीटर का, उसमें आप नॉर्मल पानी रखिए, ब्लैक वाला जो है पानी आप खुद से गर्म कर सकते हैं, बाहर वैसे भी गर्म पानी मिलता है, चाहे तो आप रूम में गर्म पानी मंगवा भी सकते हैं। तांबे का जो मग है उसमें आप पानी रखिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रात को तांबे के मग में पानी रखते हैं और सुबह उठ करके खाली पेट पीते, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वैसे तो सभी खिड़की में नेट लगा हुआ है, बाहर का नज़ारा भी देखिए नेट लगा हुआ है, तो बाहर से मच्छर भी नहीं आएगा। ऑल आउट भी सभी रूम में लगा हुआ है, दरवाजे में भी नेट लगा हुआ है, बाहर का नज़ारा देखिए, और नेट की वजह से मच्छर अंदर भी नहीं आएगा। डबल डोर दिया हुआ है, इसमें आप लॉक कर सकते हैं अंदर से बाहर से। और आप देख सकते हैं सभी को हैंगर दिया गया है, ताकि वो अपने कपड़े अच्छे से सुखा पाए। ऊपर में रस्सी है, उसमें भी आप कपड़े सुखा सकते हैं, देखिए लगा हुआ है। और हैंगर भी सभी को दिया हुआ है, बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, धूप ले सकते हैं, या तो अभी तो फिलहाल बारिश का मौसम है, तो अभी बारिश नहीं हो रही, पर आजकल बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसलिए।